गाइस अभी देख सकते हैं मनहपुर, हम लोग का मनहपुर टाउन का लोकेशन। आप लोग ब्लॉग पे बने रहिए और देखिए अभी मनहपुर टाउन का हम दिखा रहे हैं लाइन इस पार का लोकेशन है और हम लोग अभी जा रहे हैं स्टेशन। तो आप लोग ब्लॉग पे बने रहिए और ये रहा इस पार का लोकेशन है और हम उस पार का भी लोकेशन आपको दिखाएंगे। तो अभी प्लीज़ ब्लॉग में बने रहिए और हम अभी स्टेशन मोड़ की ओर जा रहे हैं। तो आप लोग लाइन पे बने रहिए और अभी हम स्टेशन रोड की ओर घुस चुके हैं और ये मेरा आगे तरफ है स्टेशन और अभी हम स्टेशन की ओर जा रहे हैं। तो आप लोग ब्लॉग पे बने रहिए और लगातार देखते रहिए वीडियो को और स्किप ना करें और देखते रहें मेरा वीडियो को। और अभी हम मनहपुर स्टेशन का सीढ़ी चढ़ रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। और मेरा आगे आगे मेरा एक चाचा जी जा रहे हैं। तो ये देखिए हम लोग प्लेटफॉर्म में चढ़ चुके हैं और मनहपुर प्लेटफॉर्म का लोकेशन आप लोग देखिए कितना सुंदर है। और मेरा चाचा बार बार पीछे मुड़ के देख रहे हैं और अभी देखिए अभी जा रहे हैं। और ये देखिए मनहपुर का स्टेशन का नज़ारा और ये रहा प्लेटफॉर्म। और अभी हम लोग जा रहे हैं एक गाड़ी पास करने और अभी देखिए बाइक रखने का जगह है और यहाँ पर बाइक रखा जाता है। और ये देखिए मनहपुर का नज़ारा, ऑटो स्टैंड रेल का बगल में ही है और आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर हरा भरा दिखता है। और ये देखिए हम मनहपुर स्टेशन में अभी बैठे हुए हैं। तो एक खाली गाड़ी माल गाड़ी आ रहा है। तो आप लोग देखिए कि कितना अच्छा लोकेशन है और अभी थोड़ा धुंधला धुंधला भी दिख रहा है इधर स्टेशन में। तो आप लोग ब्लॉग पे बने रहिए और मेरा ब्लॉग डेली आने वाला है। तो आप लोग ब्लॉग में हमेशा लाइन में रहिएगा और अगर मेरा वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं तो डेली देख सकते हैं धर्मेंद्र ब्लॉग्स में। और ये देखिए मनहपुर का कितना अच्छा लोकेशन है और बहुत ही नज़ारा अच्छा लगता है मनहपुर का। कभी भी मनहपुर आइए तो इसे गाइस अभी आप देख सकते हैं एक मालगाड़ी ट्रेन आ रही है जो कि बहुत ही रफ्तार है। आप लोग देख सकते हैं भारतीय रेल ये मनहपुर स्टेशन पर घुस चुकी है और ये बोगदा वाला मालगाड़ी है जो कि इसमें कुछ सामान रखा जाता है, आप लोग देख सकते हैं। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी हम मनहपुर स्टेशन में आ चुके हैं और अभी हम आपको मनहपुर स्टेशन का लोकेशन दिखाएँगे। तो अभी आप लोग ब्लॉग पर बने रहिए। हाय गाइस, अभी देखिए आप लोग ये देखिए मनहपुर लिखा हुआ है, ये मनहपुर स्टेशन है। और अभी टाइम 2:30 बज रहा है तो अभी थोड़ा मनहपुर स्टेशन में सन्नाटा है। और ये देखिए मैं प्लेटफार्म का ऊपर में हूँ और आप देख सकते हैं कि मनहपुर का लोकेशन स्टेशन का कितना सुंदर दिख रहा है। और मालगाड़ी दोनों पटरी पर खड़े हैं और उधर आप आगे तरफ देख सकते हैं इधर टिकट काउंटर है और मैं अभी 2 नंबर प्लेटफार्म पर हूँ और आप देख सकते हैं कितना सुंदर है। और अभी एक एक्सप्रेस आ रही है जो कि हम लोग इसी एक्सप्रेस का मतलब टाइमिंग पास करने आए थे। तो आप देख सकते हैं अभी ट्रेन घुस चुकी है स्टेशन पर 2 नंबर प्लेटफार्म में। और ये देखिए मनहपुर का लोकेशन कितना ज़बरदस्त लगता है। और आप लोग ब्लॉग पे बने रहिए और कभी घूमने का मौका मिले तो आप मनहपुर स्टेशन आ सकते हैं, घूम सकते हैं। और अभी हम आपको पूरा मनहपुर स्टेशन का लोकेशन पूरा दिखा नहीं पाए हैं क्योंकि अभी नए नए हैं तो मुझे कुछ दिक्कत हो रही है और अकेले में वीडियो कर नहीं पा रहा हूँ। तो आप लोग ब्लॉग पे बने रहिएगा, डेली ब्लॉग वीडियो लेके आ रहे हैं आप लोग के लिए। हाय गाइस, अभी देखिए 2 नंबर प्लेटफार्म पे हमारे मनहपुर स्टेशन में अभी ट्रेन खड़ा हो चुकी है एक्सप्रेस और अभी यात्रीगण हम लोग का ट्रेन से नीचे उतर रहे हैं। तो आप लोग ब्लॉग पे बने देखिए, हम लोग अभी मनहपुर ओवरब्रिज में हैं और हम लोग ब्लॉग वीडियो बना रहे थे तो अभी हम लोग सोचे कि थोड़ा आप लोग को दिखा दें। हम लोग 3 सांड हैं यहाँ पर बैठे खड़ा हुए। हाय गाइस, अभी हम लोग स्टेशन में अपना काम हो चुका है और अभी हम लोग सीढ़ी से नीचे जा रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग से आगे आगे कोई पटरी कोई पगड़ी वाला जा रहा है। तो आप लोग देखिए और ये देखिए बस स्टैंड इस पार का और बहुत ही अच्छा नज़ारा है। और ये देखिए दुर्गा मंडप जो इस पार का है और हम लोग अभी नीचे उतर रहे हैं। और अभी देखिए बस स्टैंड का लोकेशन बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है।
और अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं श्रेणी से, और हम लोग को अभी उस पार जाना है। तो आप लोग ब्लॉग पर, और अभी हम लोग उस पार के लिए रवाना हो चुके हैं। और ये देखिए बस स्टैंड यहीं पर धन्यवाद लिखा हुआ है, और अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और उस पार के लिए रवाना हो चुके हैं। और ये देखिए मनापुर का लोकेशन है, और यहाँ पर दायां साइड में हम लोग का डेली मार्केट लगता है, और हम लोग आगे जा रहे हैं अभी देखिए। और ये देखिए मनापुर का दुकान और लोकेशन है, और अभी हम लोग उस पार्क के लिए निकल चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं, ब्लॉग पे बने रहिए और देखते रहिए मनापुर का लोकेशन। और ऐसे ऐसे ब्लॉग आप लोग को डेली देने वाले हैं, तो आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरा वीडियो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो आप लोग देखिए, ये रहा आपका फटक पहुँचने ही वाले हैं, तो आप लोग ब्लॉग पर बने रहें। और हम लोग अभी जा रहे हैं, और ये देखिए अभी शायद फटक बंद है, तो सब गाड़ी वाला यहाँ पर खड़ा हुआ है एक दो। तो हम लोग जाते हैं आगे, देखते हैं अभी क्या हो रहा है, फटक बंद है कि खुला है, आगे में हम लोग देखते हैं रुक के। ये देखिए फटक बंद था, और अभी ट्रेन जा रही है, साप्ताहिक ट्रेन जो एक सप्ताह में एक बार चलती है ये ट्रेन। और अभी ब्लॉक पर बने रही, देखिए मनापुर का फेमस गणेश मंदिर है, और ये देखिए मनापुर इस पार का रेलवे क्वार्टर सब है। अभी नया नया क्वार्टर बना हुआ है, बहुत ही हरा भरा है, और यहाँ पर इधर उधर से लोग बहुत ही सारे क्वार्टर में रहते हैं। और मनापुर एक ऐसा शहर है जो कि बहुत ही अच्छा लगता है, जो एक बार मनापुर आए तो दोबारा रिटर्न जाने में उसको दो तीन बार सोचना पड़ता है। तो आप लोग देख सकते हैं मनापुर स्टेशन का बगल वाला इस पार का क्वार्टर है, जो रेलवे क्वार्टर है। और आप लोग देख सकते हैं, ब्लॉक पे बने रहिए और हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए एक क्वार्टर है, और अभी देखिए दुर्गा पूजा पहुंच रहा है, तो ये देखिए यहाँ पर हजरा का एक बन रहा है दुर्गा मंडप। और ये देखिए बस स्टैंड इस पार का, यहाँ पर दुकान वकान सब है, और स्टैंड का ही पर सब। देखिए श्रेणी इस पार का केला दुकान, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर केला वाला बहुत ही सस्ता मिलता है। और ये देखिए मैं इस पार का अभी लोकेशन दिखाता हूँ आपको, मैं इस पर आ चुका हूँ। और अभी देखिए मनापुर का इस पार का लोकेशन, अभी मुझे एक फ्रेंड के पास जाना है, और मैं अभी पोस्ट ऑफिस रोड में घुस चुका हूँ। और ये देखिए ये है मेरा मनापुर का पोस्ट ऑफिस रोड, और अभी हम लोग एक फ्रेंड के पास जा रहे हैं मिलने के लिए, कुछ काम है। आप लोग ब्लॉग पे बने रहें और देखते रहिए, और मनापुर का नज़ारा कैसे लगे आप लोग कमेंट में बताइएगा। और आप लोग ब्लॉग पे बने रहिए और देखिए, ये मनापुर का नज़ारा है, और मेरा फ्रेंड के पास हम लोग जा रहे हैं, और आप लोग देखिए थोड़ा। और ये रहा मेरा, अभी पोस्ट ऑफिस पहुंचने ही वाला है, पुराना पोस्ट ऑफिस जो कि अभी बंद हो चुका है। ये रहा पुराना मेरा पोस्ट ऑफिस, अभी बंद हो चुका है, और अभी दूसरा जगह खुला हुआ है। और ये देखिए मनापुर का दुकान सब है, आप लोग देखिए, और कभी मार्केटिंग करने आइए मनापुर घूमने के लिए। और अभी मेरा फ्रेंड के पास जा रहे हैं, हम लोग अभी पहुँचे नहीं हैं। और ये देखिए मनापुर का SBI बैंक बहुत ही ज़बरदस्त चलता है यहाँ।